तो गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रूट गवावा। तो जो गवावा है उसे हम एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ट्रॉपिक एरिया, वो एरिया जहाँ पे बारिश होती रहती है उस एरिया के अंदर, उसको हम एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोलते हैं। और किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स का जो किंग होता है उसे हम गवावा बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करें, डेट इज पैसिडियम गुजावा एंड फैमिली इज मिरिटेसिए एंड ओरिजिन इज मैक्सिको एंड और यू कैन से ट्रॉपिकल अमेरिका। एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्रोमोसोम नंबर, इट्स 2n = 22 एंड द फ्रूट टाइप इज बेरी। लेटर इफ यू टॉक अबाउट द इनफ्लोरेसेंस, देन इट वॉज सोलिटरी। ओके, एंड देन एडिबल पार्ट इज थैलेमस एंड पेरिकार्प। हियर यू सी, देखो पेरिकार्प और थैलेमस क्या होता है। सो जब फ्लावर होता है, फ्लावर के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्रूट इस थैलेमस की हेल्प से बनते हैं उसे हम बोलते हैं, इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, थैलेमस। ओके, एंड पेरिकार्प मीन्स अंदर का पार्ट। और सॉरी, अंदर वाला हो गया एंडोकार्प और पेरिकार्प हो गया बीच बाहर का पार्ट कार्प। ठीक है, अंदर का एंडो, बीच का मीजोकार्प एंड उसके बाहर वाला पेरिकार्प। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द पोलिनेशन टाइप, देन इट विल बी अ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप एंड वन सेकेंड। तो पिसिडियम कैटिलिनियम कैटली और चाइनीज स्ट्रॉबेरी गुआवा। देखो दो तरह गुआवा होता है, एक तो होता है व्हाइट गुआवा, एक होता है रेड गुआवा। जो रेड गुआवा होता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉबेरी गुआवा, जो कि नेटिव है ब्राजील का। ओके, ये फ्रेश होता है और सॉफ्ट और वाइट टुवार्ड द सेंटर एंड कंटेन न्यूमरस हार्ड सीड। इसके जो सीड होते हैं वो हार्ड होते हैं। वे जो पेसिडियम यूनिस होता है वो एक शर्ब और स्मॉल ट्री होता है, जो राउंड होता है, ग्रीनिश येलो होता है कलर के अंदर। ठीक है, आपको ये नेक्स्ट वाले दो छोड़ देना, इतना आपके सिलेबस में नहीं आएगा। नेक्स्ट, गुआवा कॉन्ट्रीब्यूट, अगर देखें टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में गुआवा कितना परसेंट रोल करता है, तो गुआवा का जो रोल है डेट इज 4.61%। ओके, एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फिफ्थ इन एरिया है और फोर्थ इन प्रोडक्शन है। ओके क्लास, तो हम बात कर रहे थे गुआवा का जो कंट्रीब्यूट करता है 4.61% इसका टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, और लीडिंग कंट्री है गुआवा की प्रोडक्शन में वर्ल्ड के अंदर। जो यूपी है वो लीडिंग स्टेट है गुआवा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, और जो गुआवा है वो इंट्रोड्यूस किया था पोर्तगाल से अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर। तो 17th सेंचुरी के अंदर इसको पोर्तगाल से क्या गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, और एक मेजर फ्रूट है इंडिया का, और इसे फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रूट का दर्जा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बनाना, देन मैंगो, देन सीट्रस, देन एप्पल एंड देन यू कैन से गवावा। जो गवावा है उसको हम पुअर मैन फ्रूट भी बोलते हैं, और इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। तो ये पुअर मैन का फ्रूट है, बट आजकल तो सेम रेट चल रहा है, महंगा रेट चल रहा है, कोई इशू नहीं है, बोलते हैं इसे पुअर मैन फ्रूट। ओके, सो नेक्स्ट इज, जो गुआवा है और एप्पल है दोनों एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, और एक कैंसर जो कोज करता है एजिंग को, डिजेनरेटिव डिजीज को हेल्प करता है। एजिंग नहीं आने देता, कैंसर नहीं आने देता। ठीक है, एक सेमी ड्वार्फ होता है रूट्स ऑफ गुवावा का, जिसका नाम होता है एन्यूप्लॉइड 82। गुवावा गुड सोर्स होता है विटामिन सी का, 299 mg होता है 100 ग्राम के अंदर। गुवावा जो होता है गुड सोर्स होता है पैक्टिन का। पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन एक सब्सटेंस होता है जो कि जेली बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो
गुआवा एक गुड सोर्स होता है पेक्टिन का, और गुआवा को पेक्टिन के लिए भी उगाया जाता है, और इसको ट्री बेंडिंग इन प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ट्री बेंडिंग प्रैक्टिस की जाती है, इसके अंदर विंटर के अंदर प्रैक्टिस जो ईस्ट इंडिया में की जाती है बहार ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो साउथ इंडिया के अंदर फार्मर करते हैं अंबे बहार क्रॉप करते हैं, और नॉर्थ इंडिया में मृग बहार करते हैं। दो तरह की बहार होती है, अंबे बहार और मृग बहार, जो नॉर्थ इंडियन मृग बहार में और जो साउथ इंडियन अंबे बहार में, ठीक है। अगर हमें थिनिंग करनी है फ्रूट की तो हमें क्या करना है, 200 ppm नेफ्थलिक एसिडिक एसिड का स्प्रे करना होता है, ठीक है, या फिर 10% अलाहाबाद सफ़ेदा एंड 20% ऑफ L49 सोर्स सोल्यूशन ऑफ यूरिया फॉर बहार ट्रीटमेंट ऑफ फोलियर स्प्रे। अगर उसका बहार ट्रीटमेंट करना है तो या तो अलाहाबाद सफ़ेदा का 10% लो और 20% L49 सोल्यूशन लो यूरिया में मिला के, और उसका क्या कर दो, स्प्रे कर दो, तो उसका लीफ का ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इफ टॉक बात करें कि हम इसके क्लाइमेट की, सो ये एक हार्डी नेचर क्रॉप है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में ग्रो हो जाता है, और इसको ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 10 डिग्री सेल्सियस, और जब इसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन की बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्शन इसके जो टेम्परेचर होता है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। जो ये टॉलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है और ड्रॉट कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकता है नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग समर, बट ससेप्टिबल जब फॉरेस्ट पड़ती है, फॉरेस्ट मतलब जब पाड़ा पड़ता है, पाड़ा पड़ने टाइम पे ये जो यंग प्लांट होता है उसको क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। मतलब पाड़ा क्या, पाड़ा खराब करता है इसको। तो ये एनुअल रेनफॉल, इसको 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, मतलब 1000 mm की इसको बारिश चाहिए जुलाई से सेप्टेम्बर के अंदर, जो रेन है हार्वेस्टेड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड, और जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट हो के आती है डिट्रीट हो जाती है अगर रेनफॉल प्रॉपर ना मिले तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सोइल की। जो सोइल इसके अंदर लैंडी सैंडी सोइल, नॉर्मल क्ले सोइल या सैंडी सोइल में कल्टीवेट हो जाता है, और नेवर नेवर द लेस वेरी गुड क्वालिटी गुआवा प्रोड्यूस है। रिवर बेसिन, जो रिवर के बेसिन होते हैं ना, वहाँ पे बहुत गुड क्वालिटी का हमें गुआवा प्रोड्यूस होता है, और ये जो टोलरेट करता है 4.5 से 8.2% जो pH उसको टोलरेट कर लेता है। इसकी जो रूट होती है वो 25 सेंटीमीटर सोइल डेप्थ में अवेलेबल होती है, और जो टॉप सोइल होती है वो क्वाइट रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है, जो न्यू ग्रोथ करती है और फ्रूट का बियर लेके आती है। नेक्स्ट आएगी वैरायटी। सो वैरायटी की बात करें तो लखनऊ 49, L49 कुछ वैरायटी याद कर लेना, ज़्यादा इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूसा सृजन, नागपुर सीडलेस, सारण सीडलेस, जहाँ सीडलेस आगे मतलब वो बिना सीड के होंगे, एप्पल कलर, हाफशी, हरीजा, चितलदार, अलाहाबाद सफ़ेदा, ललित, पंतबहा, प्रभात, बेहद कोकोनट, ठीक है, और अलाहाबाद राउंड। जो अलाहाबाद राउंड है वो पार्थिनोकार्पिक वैरायटी है। अर्का मूल्य, अर्का सफ़ेद और सीडलेस से मिलके बना है। ललित CIH लखनऊ में बना है, और पंत प्रभात हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट GBP UT में बना है, पंत नगर में। श्वेता, बातपला, अर्का रश्मि, कश्मीरी और पर्पल लोकल से बना है, ठीक है। तो ये इसके कुछ वेराइटीज थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपेगेशन की। सो इसको हम एयर लेयरिंग करवा सकते हैं या इसको स्टूलिंग करवा सकते हैं। प्रोपेगेशन टाइम जून जुलाई होता है। प्लांटिंग डिस्टेंस 6 से 8 सेंटीमीटर, 6 से 8 मीटर और 6 से 6 मीटर भी रख सकते हैं। जो खड्डे की हाइट होनी चाहिए वो 1 मीटर गहरी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी होनी चाहिए, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर होनी चाहिए। मेथड ट्रेनिंग करें मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, जो बीच वाला स्टेम है उसको काट दो और जो साइड से निकलेंगे। फिर प्रूनिंग का टाइम होता है फरवरी से मार्च। मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करें तो मैन्योर और फर्टिलाइजर 1 से 3 साल की उम्र में, 4 से 6 साल की उम्र में, 7 से 10 और 10 से अबव। तो 1 से 3 है तो फार्मेड मैन्योर डालेंगे हम 10 से 20, 25 से 40, 7 से 10 में 40 50 और 10 से 50 में। यूरिया की बात करें 150 से 200, 300 से 600, 750 से 1000, 1000। सुपर फॉस्फेट 0.515, 1.5, 2 से 2.5, 2.5, ठीक है। सो ये डोज दी हुई याद कर लेना।
इरिगेशन की बात करें, 2 से 3 इरिगेशन चाहिए विंटर मंथ के अंदर। और हार्वेस्टिंग की बात करें, जब डीप ग्रीन कलर आ जाए इस पे और येलोइश ग्रीन पैच आ जाए तो उसको हार्वेस्ट कर लो। इडली 40-50 किलोग्राम पर ट्री निकल जाती है, ठीक है, 400 से 500 फ्रूट पर ट्री होते हैं और 25 से 30 टन पर हेक्टेयर निकल जाती है। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो इसको 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोरेज करना होता है, जहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% होनी चाहिए और 3 वीक तक स्टोरेज कर सकते हैं हम इसको। अब पेस्ट आते हैं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर और बार्केटिंग कैटरपिलर। जो बार्केटिंग कैटरपिलर है वो क्या कहता है, इसकी जो डंडी होती है उसको खा जाता है, ठीक है, और जो फ्रूट फ्लाई होता है फ्रूट को खराब करती है, जो फ्रूट बोरर होता है फ्रूट के अंदर बोर कर देता है, सुंडी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज इसके अंदर गुआवा विल्ट, पूरा पौधा सूख जाएगा। फ्रूट रोट, पाइथोफोथेरा निकोशियाने, स्टेम कैंकर और इसको साइसेलो पारा सीडाई और डाईबैक, पूरा पूरा पौधा ऊपर से सड़ना स्टार्ट करेगा, नीचे तक सड़ जाएगा। कोलेक्यूट्रैकम पिसाइड। अब जिंक डिफिशियंसी से क्या हो जाती है, ब्रॉन्जिंग हो जाती है, इसके पत्ते बिल्कुल लाल लाल से हो जाते हैं, ठीक है, और ड्यू टू द जिंक डिफिशियंसी होता है। ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्रॉप इज लाइम। सो लाइम का जो बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस और एंटीफोलियम और फैमिली इसकी रूटेसी होती है। ओरिजन इसका 18 होता है, क्रोमोसोम नंबर इसका 18 होता है, ठीक है, और जो टाइप ऑफ फ्रूट है स्पिरिडम है, जूसी प्लेसेंटा हेयर होते हैं इसके अंदर, सेल्फ पोलिनेशन होती है और नॉन क्लाइमेट्रिक होता है और मिक्स बियरिंग करता है ये। क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बियर करता है और टेम्परेचर इसके लिए 16 से 32 चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए और 6.5 to 7.5 पीएच चाहिए इसके लिए। वैरायटीज इसमें परमलिनी, विक्रम, चंद्राधार, पीकेएम, शाही शरबती, जय देवी, पत्ती नींबू, इंदौर सीडलेस, ठीक है। प्रोपगेशन की बात करें तो एसिड एंड स्वीट लाइम के बहुत कमर्शियली प्रोपोगेट होते हैं और प्रोपगेशन का टाइम जून से जुलाई, प्लांटिंग टाइम जून से जुलाई, प्लांटिंग डिस्टेंस 6x6 पिट का साइज 75x75 सेंटीमीटर, इरिगेशन 15 से 25 दिन के इंटरवल पर देना पड़ता है, इसकी इरिगेशन समर में 15 इंटरवल में और विंटर में 25। हार्वेस्टिंग स्टेज कब आएगी, जब फ्लावरिंग आ जाए, साउथ इंडिया के जो क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर में, 30% वो करते हैं अक्टूबर टू जनवरी में, 10% को फरवरी टू मई में, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो अगस्त सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इल्ड की बात करें तो 1000 से 1200 फ्रूट होता है ट्रीज पे, 50 से 75 किलोग्राम पर ट्री निकल जाता है। एसिड लाइम सिट्रस कैंकर और स्वीट लाइम रेजिस्टेंस टू ग्रीन डिजीज और गंजीनिमा रूट स्ट्रोक ऑफ लाइम, ठीक है, एक रूट स्ट्रोक का नाम है गंजीनिमा। स्टोरेज की बात करें तो इसको 6 से 8 वीक तक स्टोर किया जा सकता है 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर और 80 से 90 उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। वैक्सीन ट्रीटमेंट कर देते हैं अगर उसकी शेल्फ लाइफ को हमें बढ़ाना है तो। नेक्स्ट इसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फ्रूट स्प्लिटिंग हो जाती है ड्यू टू मॉइस्चर इम्बैलेंस, लिटिल लीफ हो जाती है ड्यू टू कॉपर और जिंक डेफिशिएंसी, हार्ड फ्रूट हो जाता है ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी, लीफ मोल्टिंग हो जाती है ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी और येलो लीफ हो जाती है ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी, ग्रेनुलेशन हो जाती है ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। डिजीज की बात करें, सिट्रस गमोसिस, सिट्रस कैंकर, सिट्रस ग्रीनिंग, ट्रिजेटेजा वायरस और ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस, डाईबैक। आपको जस्ट इनके नाम याद कर लेने, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट पेस्ट थ्रिप्स आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं, एफिड आता है, लीफ माइनर आता है, साइला आता है और सकिंग मोथ आता है, ठीक है। सो ये आज हमारा सिट्रस और गवावा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेप्स कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना बहुत है, कल की क्लास में हम नेक्स्ट कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।